तो हाय फ्रेंड, मैं अमरजीत कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार मनी मेकिंग। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे स्वामी यानी कि रेडमी या फिर एमआई, कुछ भी बोल लीजिए, ये तीनों का तीनों एक ही कंपनी का नाम है। तो फ्रेंड, आपको हम बता दें कि स्वामी जो है अभी अनाउंस किया है लगभग भारत में ऐसे 5000 आउटलेट और भी ग्रामीण यानी कि कस्बों जैसे इलाकों में अपना आउटलेट ओपन करना चाह रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन से ऐसे फॉर्म होंगे जिसको भरने के बाद आपको ये आउटलेट मिल जाएगा, तो यही आज हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपके अंदर क्या क्या होनी चाहिए खूबियां जिससे आप जो है स्वामी के आउटलेट या फिर फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो फ्रेंड, फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और समझिए जो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले करते हैं आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इस पहली बार आए हमारे इस वीडियो को पहली बार देख सुन रहे हैं तो फिलहाल नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बगल में बनने वाले घंटे जैसे निशान पे भी क्लिक कर दे ताकि आपको हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को लाइक करने का टारगेट है 1000, तो इस वीडियो को अभी से लाइक करना शुरू कर दे। दोस्तों, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बगल में दिखने वाले घंटे जैसे निशान पे भी क्लिक कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे तो उसका सूचना आपको सबसे पहले मिल सके और आप देख सके। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्वामी जो है कि एक मोबाइल डिवाइस बनाने वाली कंपनी है या फिर उससे अलग अलग मिलते जुलते डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, टीवी, जितने भी डिवाइसेस हैं वो फिलहाल बना के भारत में लॉन्च कर चुका है और आने वाले समय में भी अलग अलग डिवाइस वो लॉन्च करने की चाहत रखता है। तो फ्रेंड, आज जो है फ्रेंचाइजी देने का उसका मेन मकसद ये है कि वो फिलहाल अभी जो भी मेट्रो सिटी है वैसे वैसे इलाकों में फ्रेंचाइजी दे रखा है और वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है या फिर वहीं से वो कवर करता है छोटे छोटे इलाकों में। तो अगर अब जो है वो चाह रहा है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में अपना आउटलेट डाल दे ताकि गांव से भी हम कनेक्ट हो सके और हर एक व्यक्ति के पास हमारा प्रोडक्ट पहुंच सके और हम उसको आसानी से सर्विस भी दे सके। तो ये सब सारी बातें सोचते हुए स्वामी ने एक उपाय निकाला है कि हम भारत में लगभग 5000 ऐसे आउटलेट देंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्र में ही मेरा आउटलेट होगा। तो इसके लिए आपको करना होगा एक फॉर्म को फिलअप, वो फॉर्म पे आपको लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके इस फॉर्म पे आप पहुंच जाएंगे आसानी से और आपको जो है बताने वाले हैं क्या क्या उसमें डालना है वो आप डाल के इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको एक प्रूफ दे देना चाहते हैं, जैसे कि आप ये आर्टिकल देख रहे हैं, ये जी न्यूज हिंदी का आर्टिकल है। इसमें साफ साफ लिखा है कि स्वामी के साथ आपको बिजनेस करने का मौका है। तो आइए ये क्या आर्टिकल में लिखे हैं, ये आर्टिकल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि ये आर्टिकल में और काफ़ी कुछ मेंशन है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस आर्टिकल को फटाफट हम पढ़ के आपको पहले सुना देते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे कि किस तरह से जो है कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है, अगर आप भी कम बजट में कोई बिजनेस शुरू करने का मन बना रहे हैं तो बेहतरीन मौका है भारत में अपने कारोबार को मजबूत बनाने के लिए। चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी लगातार निवेश कर रही है। कारोबार का और अधिक विस्तार करने के लिए शाओमी ने साल 2019 के अंत तक 5000 मी स्टोर खोलने की प्लानिंग की है। इन स्टोर के खोले जाने से करीब 15000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक गाँव में हो सकते हैं 2 मी स्टोर। बारे में शाओमी ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट और स्वामी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने बताया कि मी स्टोर का एवरेज साइज 300 वर्ग फीट का है, जिसमें मी स्टोर का औसत आकार 12 वर्ग फीट का है। एक गांव में अधिकतम 2 मी स्टोर हो सकते हैं। अगर आप भी मी स्टोर खोलने के इच्छुक हैं तो कंपनी की वेबसाइट पर जाके मी स्टोर फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्लिक करें। आप भी फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें। फॉर्म में आपको स्टोर का नाम, पार्टनर के अलावा स्टोर की हाइट, फ्रंट साइज, स्टोर की कॉर्पोरेट एरिया और स्टोर टाइप के बारे में भी जानकारी देनी होगी। फॉर्म को भरने पर आपसे कंपनी की तरफ से संपर्क किया जाएगा। इसके बाद यदि आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आगे का प्रोसेस होगा। 10 लाख से कम निवेश की ज़रूरत। जैन ने बताया कि मिया स्टोर के फ्रेंचाइजी लेने के लिए 10 लाख रुपए से कम का निवेश करना होगा। उन्होंने बताया भागीदार बनने के लिए किसी को
रिटेल या व्यापार के अनुभव की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे मी स्टोर ब्रांड से लगाव होना चाहिए। आपको बता दें कि स्टोर की ब्रांडिंग की पूरी लागत सोमी की तरफ से दी जाएगी, जबकि अन्य खर्च जैसे इंटीरियर्स या किराए भागीदार को वहन करना होगा। इससे पहले कंपनी ने मंगलवार को जानकारी दी कि देश के ग्रामीण इलाकों में रिकॉर्ड 500 रिटेल खोले गए हैं। कंपनी ने इन्हें मी स्टोर कहा है और अभी इन्हें महानगरों में खोला गया है। इन सभी स्टोर को 29 अक्टूबर को खोला गया है। यह कंपनी का एक साथ एक ही दिन में अधिकतम स्टोर खोलने का विश्व रिकॉर्ड है। तो जैसे कि दोस्तों आपको हम इस आर्टिकल को पढ़ के सुना दिए, देखिए इसमें काफ़ी कुछ जानने वाली बातें थी जो आपने जान लिया। वैसे अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप जो है आसानी से इस आर्टिकल को दोबारा पढ़ लेंगे। अब चलिए आपको लेके चलते हैं कि आप किस तरह से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्म दिया गया है, तो इस फॉर्म में आपको क्या क्या भरना होगा वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टोर नेम लिखना होगा, स्टोर का जो आपका नाम है वो आप लिख दीजिए। पार्टनर नेम में अपना नाम यहाँ पर आपको देना है। यहाँ देखिए खास बात ध्यान रखने वाली है, एक जो लाल स्टार से बना हुआ कॉलम है उसमें आपको एनी हाव भरना ही भरना है, उसे खाली नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर आपको थर्ड नंबर में आता है फ़ोन नंबर डालना, और यहाँ देखिए फोर्थ नंबर में ईमेल है, तो यहाँ ईमेल कंपलसरी नहीं है, आप ईमेल डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पिन कोड कंपलसरी है क्योंकि यहाँ आगे स्टार लगा हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सिटी टाउन विलेज जो भी आपका वो आप डाल देंगे। सात नंबर में आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। फिर स्टेट आप डाल दीजिए, स्टेट कुछ भी आप डाल सकते हैं जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। 29 स्टेट अपना भारत में है, तो भारत का 29 स्टेट में से कहीं भी आप रहते हो तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं। एज एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, लगभग 18 साल कम से कम होना ही चाहिए एक स्टोर ओपन करने के लिए, तो यहाँ पर आप 18 साल से अधिक आप कितना भी हो डाल सकते हैं। उसके बाद स्टोर का यहाँ हाइट है, आपको फिट में डालना होता है, यहाँ पर फ्रंट में डालना है फिट में, पूरा एरिया क्या है वो भी आपको यहाँ डालना है। जीएसटी मेन बात आ जाती है, जीएसटी देखिए आपके पास है अभी फिलहाल तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखना है पार्टनर बिजनेस, यहाँ भी आपको लिखना होगा। स्टोर टाइप किस तरह का स्टोर है, यानी कि आप रेंट पर चला ले रखे हैं या फिर आप लीज पर लिए या फिर खुद ऑनर हैं, तो जो भी आप हैं यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेना है बॉक्स के अंदर में। फिर मंथली रेंट की बात आ जाती है, तो अगर आप रेंट पर ले रखे हैं तो बॉक्स में ऊपर वाले जैसे बॉक्स बताए हैं यहाँ फर्स्ट में रेंट है, तो रेंट पर अगर लिए हैं तो यहाँ रेंट का अमाउंट आपको देना होगा, कितना आप रेंट अमाउंट दे रहे हैं। उसके बाद फोटो साज आते हैं, यहाँ दो टाइप के फोटो आपसे मांगा जा रहा है। देखिए यहाँ पर फोटो का कॉलम दो बना हुआ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप गैलरी में चले जाएंगे और यहाँ फोटो आप डाल सकते हैं। तो फोटो के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला फोटो ये मांग रहा है कि आप अपने आउटलेट जो भी दुकान है आपका उसके सामने आप खड़ा होकर एक पिक्चर क्लिक कराएं जिसमें आप और आपका दुकान दिखे और दुकान के आखिरी छोर तक दिखाई दे उस पिक्चर में, यानी कि पूरा सीध में आपका दुकान होना चाहिए जो भी है और आखिरी पॉइंट कितना लंबाई है वो पिक्चर में दिख जाना चाहिए। पहला फोटो इस तरह से होगा। दूसरा फोटो होगा कि आप अपने दुकान के सामने खड़ा होंगे और जो पिक्चर क्लिक करने वाला होगा आपका रोड का पोजे साइड में आके खड़ा होके वो पिक्चर क्लिक करेगा, जहाँ पर आपका दुकान है वहाँ पर आप खड़ा रहेंगे और आपके दुकान के दाएं बाएं में जो दुकान है छोटा बड़ा वो भी उस पिक्चर में दिखना चाहिए। तो इस तरह का दूसरा फोटो आप क्लिक करेंगे और इसमें आपको डाल देना है। दोनों डालने के बाद यहाँ देखिए टर्म एंड कंडीशन एग्री करने के बाद आप डायरेक्ट सबमिट कर देंगे। तो जैसे कि आपने देख लिया है कि इस फॉर्म में क्या क्या भरना है, हम आपको टोटल बता दिए हैं। जिस तरह से इसमें फोटो के जिक्र किया गया है कि आप आउटलेट के सामने खड़ा होकर अपना फोटो क्लिक कराएंगे, यानी कि जो दुकान है आपका उसके सामने आप पिक्चर क्लिक कराएंगे, जो भी डिटेल होगा वो डिटेल आप सारा भर के इसे जब आप भेज देंगे, भेजने के बाद जो है आपको जो है स्वामी की जो टीम होंगे वो वेरिफिकेशन टीम वो आपके फॉर्म को वेरीफाई कर लेंगे पिक्चर वगैरह देखने के बाद, वो आपको कांटेक्ट करेगा आगे प्रोसेस बढ़ाने के बाद, कांटेक्ट करके आपसे जो है कि बात करेगा सारा। उसके बाद अगर आपके पास एक चीज और जान लीजिए कि आपके पास अगर कोई भी कंप्यूटर टीवी या फिर मोबाइल से रिलेटेड जानकारी नहीं भी है तो वो आपको टोटल जानकारी
मुहैया करवाने वाला है स्वामी, इसका ये भी कहना है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दे कि अगर आपके पास आउटलेट है यानी कि दुकान है, बट यार स्वामी इतना बड़ा ब्रांड है, वो किस तरह से डिजाइन करवाना चाह रहा है आपके दुकान को, तो अगर आपके पास फंडिंग की अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो भी स्वामी आपको इसमें मदद करने वाला है। तो ये टोटल काम स्वामी जो है काफी अच्छा से करेगा, ताकि उसका जो बिजनेस है वो भारत के हर एक छोटे बड़े इलाके में फैल सके। तो पूरी तरह से स्वामी आपको मदद करने वाला है। बस आपको क्या काम करना है कि इस फॉर्म को भरना है, फिलहाल फॉर्म भर के आपको वेट करना है। जैसे ही आपको कॉन्टेक्ट करता है वो टोटल डिटेल आपसे दोबारा पूछेगा, आप उसे पूरा डिटेल बता ही दीजिएगा और जो भी जानकारी आप दीजिए इसमें सही सही दीजिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे ब्रांड के साथ काम करना तो ये आपके लिए एक गोल्डन मौका है। आप इस मौका को जाने ना दें। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, वहां से जाके आप फॉर्म को जरूर भर लीजिए। भरने के बाद जो है फिर क्या जाता है ट्राई करने में, एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो ये था आज का मेन मोटिव हमें बताना कि आप अगर स्वामी के साथ काम करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। तो फ्रेंड वीडियो यहीं तक था, आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवारों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, स्वामी के साथ काम करने का भी मौका मिल सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, कोई नए अर्निंग के टिप्स और ट्रिक्स लेके। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।